दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और एशिया महाद्वीप के सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप एक नज़र। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि। चीन और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की। लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व का 30% है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 4,38,42,09,000, जो कि संपूर्ण विश्व की 60% है, यानी कि संपूर्ण विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो कि 60% के लगभग है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया में कुल 48 देश हैं। एशिया में रहने वाले लोगों को एशियन कहा जाता है। एसीरियन भाषा के शब्द आसू से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पूर्व या उदित सूर्य। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। यह एशिया में ही आता है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो 11,034 मीटर है। यह फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, जो 1,70,75,000 वर्ग किमी, तथा सबसे छोटा देश मालदीव है, जो कि 298 वर्ग किलोमीटर है। रूस का विस्तार एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, जो कि 7,51,100 वर्ग किमी है। दोस्तों यहाँ एशिया महाद्वीप में रूस को लिया गया है, जो कि रूस का विस्तार एशिया एवं यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में होता है, इसलिए कई बार एशिया में सबसे बड़े देश के रूप में चीन का नाम भी लिया जाता है। लेकिन चूंकि यह एशिया और यूरोप दोनों में ही स्थित है और इसका विस्तार एशिया में भी आता है, इसलिए सबसे बड़े देश के रूप में एशिया का जो सबसे बड़ा देश है उसमें रूस का नाम लेते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मानिसराम, जहाँ 11,405 यहाँ मिमी होगा, किमी गलत लिखा है, 11,405 मिमी मेघालय भारत में है, यानी कि यहाँ वर्षा का औसत इतना है। हालांकि यहाँ कई बार चेरापूंजी, जो कि भारत में ही स्थित है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन वार्षिक वर्षा के औसत में इन दोनों में हमेशा बदलाव होता रहता है। कभी सर्वाधिक मानिसराम में हो जाती है, कभी चेरापूंजी में। इसलिए सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाले स्थान में वर्तमान में मानिसराम है, जो मेघालय भारत में है। एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि 9,438 किमी है, जो मास्को से नोखोदक्ता तक जाता है। इसके मार्ग में 97 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में है। एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में है, यह हम पहले बता चुके हैं, तथा विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर 395 मीटर -395 मीटर दक्षिण पश्चिमी एशिया में खारे पानी की यह झील इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच में विस्तृत है। एशिया अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसकी सीमा अन्य दो महाद्वीपों से जुड़ी हुई है, अफ्रीका और यूरोप। एशिया और अफ्रीका स्वेज नहर के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, वहीं यूराल पर्वत एवं यूराल नदी एशिया व यूरोप को अलग करती है। एशिया में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, जो मध्य एशिया में
4875 मीटर ऊंचा तथा लगभग 20,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। इसे पामीर का पठार या विश्व की छत भी कहते हैं। कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। इस झील के पश्चिमी भाग पर अजरबैजान और रूस, उत्तर पूर्व और पूर्व में कजाकिस्तान, पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में ईरान देश अवस्थित है। एशिया को पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की विश्व की सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। एशिया में विश्व का 94% जूट, 91% खजूर, 93% धान तथा 91% चाय उत्पन्न होती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक टिन अयस्क उत्खनित करने वाला देश चीन है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनित करने वाला देश भारत है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान। एशिया में विश्व का सर्वाधिक रेडियो बनाने वाला देश हांगकांग है। वहीं एशिया में विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। एशिया में सर्वाधिक डाकघर भारत में है। फिलीपींस या फिलीपींस संसार की 40% गिरी और 35% नारियल तेल उत्पन्न करता है, जो विश्व उत्पादन में प्रथम है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया सबसे अधिक नारियल उत्पन्न करता है। इराक संसार का लगभग 80% खजूर उत्पन्न करता है। इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप मसालों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप विश्व के प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि है। निम्न धर्मों का जन्म या स्थापना एशिया महाद्वीप में हुई है, जिनमें सबसे पहले आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की स्थापना भारतवर्ष या प्राचीन जम्बू द्वीप में हुई। हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म की स्थापना यरूशलेम से मानी जाती है। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म की स्थापना मक्का से मानी जाती है। मक्का व मदीना इस्लामिक धर्म में सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था तथा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई। जैन धर्म, जैन धर्म की स्थापना भी भारत यानी कि एशिया महाद्वीप में ही हुई थी। सिख धर्म, सिख धर्म की स्थापना भी भारत यानी कि एशिया में ही हुई थी। इसी कारण एशिया को धर्मों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां है हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, खिंगन, थ्यानसान और अल्टाई। एशिया के प्रमुख बंदरगाहों में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मनीला, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, याकोहामा, कोलंबो, बसरा, संगाई तथा एडन है। एशिया के प्रमुख सागर हैं बेरिंग सागर, जापान सागर, अखोटस्क सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर तथा मारमारा सागर। एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियां हैं बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फ्रांस की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी एवं एडन की खाड़ी। हरिकेन फिलीपींस में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टेगा उत्तरी एशिया की टुंड्रा व स्टेपीज के मध्य पाए जाने वाले कोणधारी वृक्षों वाले सदाबहार वन है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में साइबेरियाई रूस में फैले छोटी घास वाले मैदान है, छोटे घास वाले उपजाऊ मैदान है। टुंड्रा वृक्ष विहीन आर्कटिक मैदान है जो एशिया के उत्तर में स्थित है। जामनगर गुजरात विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विश्व की सबसे लंबी दीवार, इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किन वंश द्वारा चीन पर मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए किया गया था। चीन सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा वाला देश, विश्व का वह देश जिसकी सबसे अधिक अन्य देशों के साथ सीमाएं लगती है, यानी सबसे लंबी स्थलीय सीमा और सबसे अधिक देशों से जिसकी सीमाएं लगती हैं वह चीन है। मंगोलिया विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध यानी कि जिसके चारों ओर स्थलीय सीमा है वह देश मंगोलिया है। बेकाल झील रूस में
इर्कुट्स्क के पास में स्थित यह झील 31,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और विश्व की मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। यह लगभग 700 मीटर गहरी है। इस झील में अंगारा नदी निकलती है तथा लेगा नदी गिरती है। प्राकृतिक गैस भंडार। रूस प्राकृतिक गैस के संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान। विश्व के कुल गैस भंडार का लगभग 1/4 भंडार यहाँ संचित है। सूर्योदय का देश यानी कि उगते सूरज का देश जापान निपोन या निहोन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जीके अभी। धन्यवाद।